नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिल्डिंग विद ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। पहला, अ पिलर इज मेड यूजिंग 4000 ब्रिक्स। इफ द हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर इन सेंटीमीटर। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पिलर इज मेड यूजिंग 4000 ब्रिक्स, मतलब पिलर को कितने 4000 ब्रिक्स एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है, और एक ब्रिक की हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो उस पिलर की हाइट कितनी होगी। वेरी सिंपल। तो वन ब्रिक यहाँ पर एक का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। वन ब्रिक इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, 4000 ब्रिक्स, 4000 ब्रिक्स इक्वल्स टू 4000 इंटू 20, ओके, एंड सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कीजिए, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 8। तो अब यहाँ पर आप इसके हिसाब से लगा दीजिए, कॉमा 80,000 सेंटीमीटर। नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड देन किलोमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो डिवाइड बाय 80,000 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मीटर मिल जाएगा। तो 2 कट हो गया, ये आ गया 800 मीटर। अब अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर पॉइंट में आएगा, तो इतना रहने दीजिए, आंसर आ जाएगा 800 मीटर, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज रुपीज 3000, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2500 ब्रिक्स। तो बच्चे पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी, आप लोग थोड़ा समझिए उसको ध्यान से। 1000 ब्रिक्स, ब्रिक्स के नीचे आप ब्रिक्स लिखेंगे, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट लिखेंगे। 1000 ब्रिक्स इक्वल्स टू रुपीज 3000, ठीक है। 1000 ब्रिक का कॉस्ट कितना है, 3000 रुपीज। तो 2500 ब्रिक्स का कॉस्ट पूछ रहा है, यहाँ पर आप लिखिए 2500 ब्रिक्स का कॉस्ट कितना होगा। अब जो हमको नहीं मालूम है उसको हम लिख लेते हैं एक्स। ये हालांकि अभी आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा कि ये एक्स क्या होता है, तो ये अननोन थिंग है, अननोन थिंग के लिए हमने एक्स लिख लिया। इसको मैं दो मेथड से आपको बताऊंगी, आपको जो मेथड समझ आए उससे आप कर लीजिए। अब जो यहाँ पर ब्रिक्स के नीचे ब्रिक्स लिखना है, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखना, अब उसी को हमको सॉल्व करना है, इसको कहते हैं यूनिटरी मैथड। तो 1000 डिवाइडेड बाई 2500 इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई एक्स। ये तभी आपका सफल रहेगा जब आप सेम चीज़ को सेम चीज़ के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से आप 6th-7th में पढ़ेंगे। अब दूसरा चीज़ हमारा आ जाता है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक्स को ऊपर ले जाइए, 1000 को नीचे ले आइए। तो किस तरह से हम करेंगे, एक्स को हमने यहाँ लिया और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2500 इंटू 3000 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें कट सकती है उसको काट दीजिए, 10 कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 10 इस 0 से कट गया, तो कितना आ गया, 2500 इंटू 3, तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा 7500, और चूंकि हमको रुपीज़ निकालना था तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। तो 2500 ब्रिक्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा, आपको ये मिलेगा आंसर, इसका मिलेगा 2500 ब्रिक का कॉस्ट मिल जाएगा 7500 रुपीज़। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बताती हूँ आप लोगों को, जो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी हमारी क्लास के हिसाब से ये थोड़ा सा यूनिटरी मेथड समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ। यहाँ पर 1000 ब्रिक्स इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 3000 रुपीज़, ये आ गया। तो वन ब्रिक का प्राइस निकालिए, कितना आ गया, वन ब्रिक इक्वल्स टू आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 1000,
तो 1000 यहाँ पर आप इसको जीरो को डायरेक्ट काटिए, ये आ गया आपका रुपीस 3। ठीक है, 3 रुपीज। अब आपको कितने ब्रिक का प्राइस चाहिए? 2500 ब्रिक का प्राइस चाहिए। तो अब देखिए, 1 ब्रिक कितने का आ रहा है आपका? 3 रुपीज का आ रहा है। तो 2500 ब्रिक्स कितने के आएंगे? 2500 ब्रिक्स इसका प्राइस कितना हो जाएगा? एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2500 इंटू 3। अब ये 0, 3 0s are 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये कितना आ जाएगा? 7500 रुपीस। ठीक है, आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया, 2500 ब्रिक्स का प्राइस कितना आ गया? 7500 रुपीज। आप ये यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द हाइट ऑफ अ चिमनी इज 90 मीटर, ठीक है, ये चिमनी की हाइट दी हुई है, एंड द हाइट ऑफ 100 ब्रिक्स इज 3 मीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड। देखिए यहाँ पर बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये हाइट चिमनी की दी हुई है, ये 90 मीटर की हाइट है, और 100 ब्रिक्स जो है, अगर आपने एक के ऊपर एक 100 ब्रिक्स लगाए तो वो 3 मीटर को कवर कर रहे हैं। तो ये 90 मीटर ब्रिक्स तक पहुँचाने के लिए कितने आपको ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो ये देखिए, 100 ब्रिक्स आपका कितने मीटर को कवर कर रहा है? 100 ब्रिक्स जो है वो कवर कर रहा है केवल 3 मीटर को, और आपको कितने मीटर तक पहुंचना है? 90 मीटर तक जाना है। ठीक है, तो 90 मीटर के लिए आपको कितने ब्रिक्स की ज़रूरत होगी? यहाँ पर भी आप यूनिटरी मेथड अपना सकते हैं। 100 ब्रिक्स आप देखिए, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं 100 upon x = 3 upon 90। ठीक है, आप इसको 90 को ये, फिर अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। x को इधर ले आइए, जैसे 100 into 90 equals to 3 into x। अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या होगा, 3 into x, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए, है ना? तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 100 into 90 divided by 3। ठीक है, ये यहीं का यही रह गया, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 ones are 3, 3 threes are 9, 0। तो 30 into 100 कितना आ जाएगा? 300। 300 क्या चीज़ आपका निकाल रहे हो? ब्रिक्स। 3000 ब्रिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी 90 मीटर की चिमनी तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये एक, ये भी एक तरीका है 100 ब्रिक्स, या फिर आप इसको इस तरीके से भी देखते जाइए, 3 meter, 3 meter, 3 meter, कितने मीटर आप जाएंगे तो 90 मीटर को कवर करेंगे। तो 90 divided by 3 कितना आ गया? ये आ गया 3, ये आ गया 30। 30 टाइम्स आपको 3 3 meter जाना है, और एक 3 meter को के लिए आपको कितना ब्रिक यूज़ हो रहा है? 100 ब्रिक्स यूज़ हो रहा है। तो 30 बार आपको 100 ब्रिक्स यूज़ करना है, तो 30 into 100 कितना आ जा रहा है? 30 into 100 आ रहा है 3000। आपका ये एक तरीका, ये भी एक मेंटल मैथ्स से आप कर सकते हैं, और ये यूनिटरी मैथ्स तो हर जगह सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इन सवालों को आप करिए, समझ के करिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगी बनाने में। ठीक है, धन्यवाद।